दोस्तों, अगर आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो पर बिल्कुल सही क्लिक किए हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताया हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है, और गाइस जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक करके आप जिस भी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मैं एडिट करूँगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और इसे हम एडिट करने वाले हैं कुछ इस टाइप का आप लोगों के सामने। तो गाइस, फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेल्सिंग वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको टून इमेज पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ब्राइटनेस को डिक्रीज करके -25 कर देना है, और फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और कॉन्टेक्स्ट को डिक्रीज करके +36 कर देना है, और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है, और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है, इसको भी डिक्रीज करके +48 कर देना है, और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है, हाईलाइट को -29 कर देना है, और शेडो को -24 कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपको राइट कर लेना है। तो गाइस, आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी। और गाइस, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरो के निशान का, तो सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है, और गाइस फिर आपको टून इमेज पर क्लिक करके इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर कोने में सर्कल वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपने फेस को कुछ इस तरीके से जूम करना है और कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, आपके जो फेस पे जो मतलब ऑरेंज कलर आ जाएगा इसको कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग बहुत ही आराम आराम से इसको मिटाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा जल्दी करोगे तो आप लोगों का फेस एंड बॉडी मतलब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जब आपको टाइम मिले आप लोग ऐसा फ़ोटो मतलब जब भी एडिट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना है और आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी, और फिर आपको राइट कर देना है। और गाइस, राइट करने के बाद यहाँ से कट करना है, और फिर दोबारा आपको पेल्सिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और गाइस, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स का, तो डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है इसको डिक्रीज करके +34 कर देना है, और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है, और फिर इसको भी डिक्रीज करके +28 कर देना है। इतना करने के बाद आपको राइट कर लेना है। और गाइस, फिर आपको दोबारा इस पेल्सिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको ड्रामा का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन +100 होगा आपका, तो इसे माइनस करके कुछ इस तरीके से इतना कर देना है +37। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है। इतना करने के बाद आपको राइट कर देना है, और राइट करने के बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एडिट का, इस पर क्लिक करके और आपको ड्रामा पर क्लिक करके इस ब्रश को दोबारा सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये वाला जो ठीक है आप इसको सर्कल बोल सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपने फेस को जूम करना है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जो है आपको मैंने बताया था, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जीरो कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिमूव करना है जो आपके फेस पे ये कलर आ चुका है, तो इसको भी कुछ इसी तरीके से रिमूव करना है बहुत ही प्यार से धीरे धीरे, तो इसको भी मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है आपको ब्राइटनेस को माइनस करके 10 कर देना है, और कॉन्टेक्स्ट को डिक्रीज करके -17 कर देना है, और सैचुरेशन को डिक्रीज करके -41 कर देना है, और फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है
और इसको भी डिक्रीज करके प्लस 26 कर देना है और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है, हाईलाइट को -17 कर देना है और फिर आपको यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे राइट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर जो है आपका फेस कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो गाइस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है और व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपने फेस को जूम करना है कुछ इस टाइप से। और जो आपके फेस पर ऑरेंज कलर आ गया है दोबारा, तो इसको दोबारा मतलब ऐसे ही रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस टाइप से कर लेना है और फिर आपको राइट कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव वाला, तो इसे एक बार गैलरी में सेव कर लेना है। और गाइस फोटो को सेव करने के बाद फिर आपको दोबारा इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस फिर आपको करना क्या है, फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करना है और जो आपका मॉडल है उस पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करके कुछ इस टाइप से आपको छोड़ देना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस अब ये एक बैकग्राउंड बन चुका है। तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से एक बैकग्राउंड को बना लेना है और फिर आपको यहाँ से राइट कर देना है। इतना करने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेंस ब्लर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको जो है इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको छोटा करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, दोनों फिंगर लगाकर छोटा कर देना है। और इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर फिंगर रख के ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको माइनस कर देना है तो ये यहाँ पर छोटा हो जाएगा। इतना छोटा करने के बाद इसे साइड में कुछ इस टाइप से रख देना है, तो ब्लर को जो है डिक्रीज करके +79 कर देना है। इतना करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करना है और इसको जो है विग्नेट को थोड़ा सा डिक्रीज करके +54 कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपको राइट कर देना है यहाँ से, फिर आपको दोबारा इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और डबल एक्स पोर्टल पर क्लिक करके जो आपने अभी फ़ोटो को सेव किया था उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस लाइन को पूरा 100 कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपको राइट यहाँ से कर देना है और फिर आपको सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपने फ़ोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से और फिर जो है अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। फेस पे मत करना, अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है, बहुत ही आराम आराम से करना है। देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ठीक है। और आप जितना इस फोटो को जूम करोगे तो यहाँ पर ब्रश का साइज इतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपका कुछ इस तरीके से रिमूव करते हुए इधर आ जाता है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो के निशान का, तो इस पर आपको फुल 100 कर देना है और कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। और गाइस फिर आपको जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से दोबारा मिटाने लग जाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से अप्लाई करने लग जाना है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है और जो आपका बैकग्राउंड होगा यहाँ पर कुछ इस टाइप का बन जाएगा DSLR। तो फिर आपको यहाँ से राइट कर लेना है और फिर आपको यहाँ से कट कर देना है। और गाइस फिर आपको इतना आपको अप्लाई कर लेना है यहाँ पर स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव वाला, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे शेयर कर लेना है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। फ़ोटो शेयर करने के बाद फिर आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है कुछ इस टाइप से और यहाँ पर जो है आपको एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इस पर आपको टैप कर देना है यानी कि क्लिक कर देना है, तो आपको ये सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर लेकर आ जाएगा। तो फिर आपको ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है, तो जो फ़ोटो आपने शेयर किया था उस फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है जो मैंने फ़ोटो शेयर किया था वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक प्रीसेट को यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जा करके उसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइस ये वाला प्रीसेट है, आप लोग देख लीजिए। तो गाइस फिर आपको करना क्या होगा, इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ऐड कर लेना है, सॉरी लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है और फिर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है
और गाइस जिस फोटो पर आप पेस्ट करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस फाइनली फिर क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग आपको कर देना है। तो आपका जो फोटो होगा वन क्लिक में कुछ इस टाइप का एडिट हो जाएगा आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस फिर इतना ही कर लेना है आप लोगों को, और फिर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पर ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तो गाइस फिर आपको करना क्या हुआ, इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रश दिखाए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज करूँ आपको वही ब्रश यूज करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है मैं इस वाले ब्रश को यूज करूँगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जितना सेटिंग करके रखा है आपको बिल्कुल इतना ही कर लेना है, और फिर यहाँ से कट करना है और अपने फेस को जूम करना है कुछ इस टाइप से, और अपने फेस पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका फेस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ होगा, आपके फेस पर कैसा ही भी मतलब निशान नहीं आने का है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो गाइस आपको बहुत ही आराम आराम से फेस को स्मूथ करना है बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ, बहुत ही प्यार से स्मूथ करना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको फेस को स्मूथ करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब अच्छा फेस स्मूथ हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा साइज में बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो रहा है, और बहुत ही आसान तरीका है फेस को भी स्मूथ करने का। तो आप लोग गाइस ऐसे ही कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर पूरे फोटो को मतलब स्मूथ करके दिखाऊँगा तो यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा गाइस। तो मैं आप लोगों को मैंने पूरा ट्रिक बता दिया है कैसे आपको फेस को स्मूथ करना है, तो आप लोग कुछ इसी तरीके से फेस को स्मूथ कर लेना गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना धांसू तरीके से हमारा जो है फेस स्मूथ हो रहा है। तो गाइस आप लोग इसी तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर लेना।